जिससे मिलती है स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता की गारंटी, जो बताता है हमारे हक और हमारी जिम्मेदारियां, जिसने पूरे विश्व में भारत को दी एक अलग पहचान, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत का संविधान। जानेंगे संविधान विशेषज्ञों से सरल और सीधे शब्दों में, संविधान की पाठशाला में, सिर्फ यूसीएन बुद्धा पर। जय भीम, जय संविधान। यूसीएन बुद्धा के इस शो संविधान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट पायल गायकवाड़ आज भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, उस पर और अधिक जानकारी दूंगी। कल हमने भारतीय संविधान का इतिहास देखा, उसकी विशेषताएं देखी। आज हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उसमें जो 6 मौलिक अधिकार है, उसके बारे में जानेंगे। समानता का अधिकार। सामान्य भाषा में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से होता है जिसमें उस समाज के सभी लोगों को समान अधिकार या प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तु एवं सेवाओं पर समान अधिकार आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने की समानता, आर्थिक समानता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती है। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक समानता किसी समाज की उस अवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। समानता की अवधारणा मान के राजनीतिक सिद्धांत के मर्म में निहित होती है। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्थाओं और अलोकतांत्रिक हुकूमतों या नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे देश का विशाल इतिहास भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें न जाने कितने वीरों ने केवल अपनी स्वतंत्रता और समान अवसर प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी भी अपना सिर दुश्मन के सामने नहीं झुकाया। इस हिसाब से समानता को स्थायी और सार्वभौम अवधारणाओं की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक लोगों या समूहों के बीच संबंध की एक ऐसी स्थिति ऐसी होती है जिसे समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन एक विचार के रूप में समानता इतनी सहज और सरल नहीं है, क्योंकि उस संबंध को परिभाषित करने के लिए, उसके लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके एक पहलू को दूसरे पर प्राथमिकता देने के एक से अधिक तरीके हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अलग अलग तरीकों से समानता को प्रदर्शित करने पर समानता के विचार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं उभर कर सामने आती हैं। प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर 20वीं सदी तक इस विचार की रूपरेखा में कई बार जबरदस्त परिवर्तन आ चुके हैं। बहुत से चिंतकों ने इसके विकास और इसमें हुई तब्दीलियों में योगदान किया है, जिसमें अरस्तु, हॉब्स, रूसो, मार्क्स, टकविल जैसे महान वैचारिक प्रमुख हैं। हम देखते हैं कि भारत के संविधान में समानता के अधिकारों का स्थान क्या है। हमारे देश के संविधान में समानता के अधिकारों का स्थान बहुत ही प्रमुख है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की सूची में समानता के अधिकारों को भी स्थान दिया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक व्याप्त हैं, जिनमें देश के प्रत्येक नागरिक को सभी क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त कराने की बात की गई है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस अधिकार का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समता के अधिकार का यह भी अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान
विधि के समक्ष समता का अधिकार का यह भी अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है और देश के सभी लोग देश के साधारण न्यायालयों की अधिकतर अधिकार सीमा में हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह देश के प्रधानमंत्री हो या सामान्य जीवन स्तर में रहने वाला गरीब किसान हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, यदि उसने देश के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया है तो वह व्यक्ति अपने उस कार्य के लिए समान रूप से जिम्मेदार होगा। इसी तरह आम नागरिक और पदाधिकारियों में भी भेद नहीं किया जाएगा। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस अधिकार में कुछ छूट मिली है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के किसी कार्य के लिए न्यायालय में जिम्मेदार नहीं होंगे। इसी तरह इनकी पदावधि के दौरान इन पर किसी भी न्यायालय में कोई भी फौजदारी मामला दाखिल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले इनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी मामला 60 दिनों से पहले की लिखित पूर्व सूचना के बाद ही चलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन सरकार के किसी कार्य के खिलाफ न्यायालय की में वाद लाया जा सकता है, चाहे वह कार्य राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से ही क्यों ना किया गया हो। अब हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ, जिसे हिंदी में विधि शासन कहते हैं। विधि के समक्ष समता की गारंटी उसी के समान है जिसे इंग्लैंड में विधि शासन कहते हैं। विधि शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पर जो कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। राष्ट्रपति से लेकर देश का निर्धन से निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों में भेद नहीं किया गया है। समता के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 14 में निहित समता का नियम नहीं है और इसके अनेक अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञ को न्यायालय के अधिकार से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान भी कुछ अधिकारियों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और दायित्व से मुक्त प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रांतों के राज्यपालों, लोक अधिकारियों, न्यायालय के न्यायाधीशों और भूतपूर्व राज्यों के नरेशों को ऐसी छूट प्रदान की गई है। ऐसा उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद और विशेष जिम्मेदारी के कारण किया गया है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सके। इसी प्रकार अनुच्छेद 31C के अधीन पारित विधियों को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब देखते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। यहाँ केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विभेदकारी व्यवहार के लिए इस अनुच्छेद में गिनाए गए आधार के अलावा अन्य आधार पर किया गया वर्गीकरण या विभेद संविधान विरुद्ध नहीं माना जाएगा, किंतु यदि किसी नागरिक के साथ राज्य द्वारा केवल इसलिए भेदभाव किया जाता है कि वह किसी विशेष धर्म, वंश, जाति का है या क्षेत्र अथवा स्थान विशेष में पैदा हुआ है, तो वह न्यायालय के माध्यम से राज्य की कार्यवाही को शून्य घोषित करवा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2 कुछ इस प्रकार है। भारत देश के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। इसी तरह कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से भी किसी नागरिक को वंचित या बाधित नहीं किया जा सकता है। यदि वे पूरी तरह या अंशतः
सरकारी खर्चे से बने हुए हैं या सरकारी खर्च से संचालित हो या फिर किसी निजी होते हुए भी सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित हो। लेकिन अनुच्छेद 15 का खंड 3 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्रियों या बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। इसी तरह खंड 4 के अनुसार राज्य सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 15 खंड 1 में जाति के आधार पर भेद का निषेध होते हुए भी अनुच्छेद 15 के खंड 5 के अनुसार राज्य उक्त वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा फीस में छूट आदि विशेष उपाय भी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसी अनुच्छेद के अनुच्छेद 16 खंड 3 के अनुसार संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में नौकरी के लिए किसी विशेष क्षेत्र के निवासी होने की शर्त रख सकते हैं। अनुच्छेद 16 खंड 4 के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व को अनुच्छेद 16 खंड 4 के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अस्पृश्यता का अंत देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय बना दिया है। बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया। उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 खंड 2 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भाषण की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, यूनियन और सहयोगी बनाने की स्वतंत्रता तथा भारत में कहीं भी यात्रा करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता और किसी पेशे का चयन करने की स्वतंत्रता शामिल है। इस अधिकार के तहत यह भी कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संपत्ति खरीदने, बेचने और बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। लोगों को किसी भी व्यापार या व्यवसाय में शामिल होने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार का यह भी परिभाषित करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उसे स्वयं के खिलाफ गवाह के रूप में खड़ा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को बाहरी प्रतिबंधों के बिना बोलने, करने और अपने सुख को प्राप्त करने का अवसर मिलता है और कई लोगों को स्वतंत्र होकर जीवन यापन करने में अच्छा लगता है। वे लोग किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा बोलना और नहीं किसी से ज़्यादा मतलब रखना पसंद करते हैं। स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें हमें अपने नए विचार, रचनात्मक कला, उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही स्वतंत्र होकर रहने से कोई भी व्यक्ति खुद को अधिक समय दे सकता है और अपने बारे में विचार कर सकता है, जो कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हमारी स्वतंत्रता हमें अत्यंत प्रिय होती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो यह आज़ादी की लड़ाई के फलस्वरूप ही हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि अंग्रेजों से हमारा वैर केवल इसीलिए था कि उन्होंने हमारी आज़ादी को हमसे अलग करके रखा था और हम इस तरह से बंधे हुए थे कि हमें अपनी सही संपत्ति का प्रयोग करने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी और वे लोग भी आसानी से अनुमति भी नहीं दिया करते थे। अनेक भारतीयों ने अपना सुख एवं जीवन त्याग कर हमें यह आज़ादी भेंट दी है। स्वतंत्र भारत में हम अपने देश और अपने घर परिवार के साथ साथ खुद की प्रगति के लिए कार्य कर सकते हैं, जो अंग्रेजों के अधीन रहकर करना संभव नहीं था।
स्वतंत्र होने के कारण हम लोग अपने नए संविधान को गठित कर सके, इसी के कारण हम नागरिकों के अधिकार प्राप्त करने में सफल हुए हैं, समाज में सुधार और सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं और देश में नई ऊर्जा विकसित हो पाई है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने मन से कर सकता है। अब उसे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रजातंत्र में लोग देश के शासन के लिए सही प्रजातंत्र में लोग देश के शासन के लिए सही व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं और अपने कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का हमारे और हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान देखते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, किंतु वह कार्य गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और न ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे भारतीय संविधान के 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है, किंतु संपत्ति के अधिकार को अभी भी भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय केवल देश के नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो कि है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखते हैं। अब भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात का विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, बल्कि इसका भी अधिकार क्षेत्र सीमित है। कोई व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतंत्र है जब तक उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन का आयोजन भी किया जा सकता है और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित भी किया जा सकता है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करे या ऐसे करने का प्रयास करे। अब देखते हैं भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार को छीन नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रुकावट के सीधे अपनी बात रखने और अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है,
जहाँ से उस व्यक्ति को इंसाफ प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं निवास की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई गहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा कि 15 अगस्त 2019 से पहले तक भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू या कश्मीर में अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था, किंतु भारत की संसद में यह एक नया कानून पारित करके 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को हटा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में भी अपनी खुद की संपत्ति का आनंद उठा सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपने आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यवहार या कारोबार कर सकते हैं, किंतु वह कार्य गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है। राज्य साधारणता किसी व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों में के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, जिससे कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए उस क्षेत्र में जानकार और अनुभवी लोग ही चुने जाए तो वह कार्य भी सरलता से किया जा सकेगा। अथवा सरकार किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भी अपने हाथ में ले सकता है। अब देखते हैं हम शोषण के खिलाफ अधिकार। इसमें किसी भी तरह की जबरन मजदूरी के खिलाफ प्रतिबंध शामिल है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को